नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो है कार्य और समय को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, उसमें हम लोग जो है चार क्वेश्चन के माध्यम से अपना एक्सरसाइज शुरू किए थे। और आप लोग अगर देखे होंगे तो उन चार क्वेश्चनों में हमने चार अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखे हुए थे, और जिससे हम लोग जो है चार से कम बहुत सारे प्रश्नों को उस टाइप के सारे प्रश्न अब हमारे हल हो गए होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम उसी से आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग जो है कार्य और समय से जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। आप जाके इसके बाद जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, किसी भी जो है आयोग का या जो है SSC CGL, मैं बात कर रहा हूँ CGL जो सबसे हार्ड माना जाता है, वहां के भी प्रश्नों को आप आराम से बना पाएंगे। तो आप लोग जो है विश्वास के साथ पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और जो है अपना नोट्स बनाइए, फिर उसको रिवाइज करिए, तब जाके जो है आप लोगों को एक बेहतरीन नॉलेज कार्य और समय के बारे में हो पाएगा। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है प्रश्न हम देखते हैं, हाँ इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पे हमने देखिए थोड़ा शॉर्ट में यूज किया हुआ, क्योंकि प्रश्न अगर हम पूरा लिखते तो काफी समय लगता, और मतलब समय तो मैं लिख ही देता, लेकिन यहाँ पे हम कम प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अगर प्रश्नों को लिखेंगे कब फिर कराएंगे तो बहुत समय लग जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट में लिखा है। समझते हैं क्या है, जैसे A+B का मतलब ए और बी मिलके, जहां पे A+B लिखा होगा ए और बी मिलके, A+B+C लिखा होगा तो सी मिलके, उसके आप आगे जैसे 12 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ए और बी मिलके किसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, उसी प्रकार B और C लिखा है तो बी और सी मिलके उस कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में। A+C का मतलब है ए और सी उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। बस इतना ही बताना था, बाकी हम लोगों का समय बचेगा, हम लोग और प्रश्नों को कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी किसी काम को मिलकर 20 दिन में, तथा ए और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं, तो ए बी और सी कितने दिन में करेंगे। A+B+C का क्या मतलब हमने बताया, मतलब ये कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इन प्रश्नों को कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। हमने बताया था कि जैसा जितना दिया हो, जैसे A+B मिलके तो लिख लीजिए आप A+B कितने दिन में करते हैं, जो दिन लिखना है उसका 12 यहां लिख दीजिए। ठीक, पहले जैसे पिछले वीडियो हमने किया था। अब बी और सी मिलके कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, और A+C मिलके कितने दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो जैसे पिछले में था ना, ए किसी काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में करता, तो उन लोगों का LCM निकालते थे, फिर उनकी क्षमताएं निकालते थे, फिर उसको टोटल वर्क से भाग कर देते थे। यही करते ना, टोटल वर्क को उनकी क्षमता से भाग कर देते, निकल आ जाता। इसमें भी वही करेंगे। अब देखिए, हमने आपको बताया था LCM लेना भी, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहली बार मान लीजिए LCM। अगर हम 20 को मानेंगे क्या 15 कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक, फिर 20 × 40 करेंगे तब भी नहीं कटेगा वो 12 से। तो अगर 20 × 60 मान लें तो 12 × 5 = 60, 20 × 60 = 15 × 4 = 60, तो इसका 60 हो गया। LCM निकालना आप लोग सीख गए हैं। पिछले वीडियो हमने बताया था, जो मित्र इस वीडियो में नए जुड़े हैं जाके देख लें, उनको अच्छे समझ में आएगा, फिर इसको देखें। ठीक है, तो ये हो गया 60। अब क्या करते थे, जितने दिन में करते हैं उसको भाग कर देंगे 60 से। तो 60 से जब हम सॉरी 12 से जब 60 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर इसको जब भाग करेंगे 3 आएगा, इसको भाग करेंगे तो 15 × 60 आएगा। ये आ गया आपका A+B+B+C और A+C की कंबाइंड क्षमता, दोनों की सबके मिल की क्षमता। अगर इन सारों को हम जोड़ दें तो देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा आएगा A। देखिए यहाँ A है, A और यहाँ भी A है, कितना हो जाएगा 2A प्लस, यहाँ B है, यहाँ B है और कहीं भी नहीं है तो 2B, यहाँ C है, यहाँ C है 2C, सारे को हमने जोड़ लिया। अब इसको जब जोड़ेंगे 5 × 3 = 8 = 4 = 12 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से दो कॉमन ले लें, देखिए 2A 2B 2C है, 2 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2A+B+C,
सी बराबर कितना हो गया 12। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी यहां से निकालना चाहें तो बराबर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता जो आई है, अर्थात तीनों का जो एफिशिएंसी आई कितना आया, 6 आया, और टोटल वर्क कितना है भैया, 60 है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, वही पिछला वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, समय बराबर टोटल वर्क अपान में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी लेंगे, जिनका वो प्रश्न में कहेगा, यहाँ पे देखो कितना कहा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके, तो तीनों की एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी कितना है, 6 है। तो 60 बटे में 6 बराबर कितना आ गया, 10 दिन आ गया 10 दिन, कुछ नहीं है, पिछले जैसा ही है। एक बार और समझ लीजिए, जैसे प्रश्न में दिया हो ए प्लस बी मिलके, जिनको भी मिलके बोले उनका लिख के उनका पूरा समय लिख दीजिए कितना समय लेते हैं, फिर उसका एलसीएम ले लीजिए, फिर उनकी क्षमताएं निकाल लीजिए, फिर प्रश्न में जिनको पूछे कौन कौन मिलकर करेगा केवल उन्हीं की क्षमता लेंगे। अगर यहाँ पे ए का पूछता केवल तो ए की क्षमता हम लेते, अगर बी मिल कहता तो बी भी करेंगे। आगे वाले प्रश्न में हम ऐसा करने वाले हैं, तो ये चीज आप ध्यान लगे कि प्रश्न में जिनकी पूछेगा कि कौन मिलके करता है तो उन्हीं की क्षमता केवल लिया जाता है, ठीक। तो आइए इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे और अच्छे से समझ भी लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम और अगले प्रश्न पर अपने आते हैं जो इसी पर आधारित है। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में, तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो ए अकेला, बी अकेले, सी अकेले कितने दिन में करेंगे, मतलब ए अगर अकेले काम को करेगा तो कितने दिन में, बी अकेले कितने दिन में करेगा, सी अकेले दिन में करेगा कितने दिन में करेगा। यहाँ पे तीन प्रश्न हो गए इसी प्रश्न में, लेकिन इसको हम बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम अच्छे से कर पाएंगे। आइए सबसे पहला क्या काम है, जैसे प्रश्न में दिया हो ऐसे लिख लीजिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में, 12 लिख लिए, बी और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिखा मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा आपको पेपर में, पेपर में आपको यही लिखेगा ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ऐसे मिलेगा, ठीक है। और सी प्लस ए, सी और ए मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो आप कहेंगे सर 20 दिन में करते हैं। फिर क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या हमने बताया, सबसे बड़ी संख्या को पहले एलसीएम मान लीजिए, अगर वह सभी संख्याओं से कटता है तो वही उसका एलसीएम होगा, नहीं कटता है तो आप क्या करेंगे, उसका 2 गुना करिए, 3 गुना करिए, 4 गुना करिए, कभी ना कभी वो कटेगा, ऐसे निकाल सकते हैं आप। तो आप अगर 20 लेंगे तो 12 से नहीं कटेगा, 40 लेंगे तब भी नहीं कटेगा, जब 60 लेंगे तो कट जाएगा, तो एलसीएम हो गया 60। अब 60 को किससे भाग करते हैं, उनकी क्षमता, उनकी जो कितना दिन है उससे भाग करेंगे तो उनकी क्षमताएं निकल आएंगी, तो 12 पंचे 60 आ जाएगा, 15 चौका यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 20 तिहाई यहाँ पे 60 आ जाएगा। अब ये आ गया, जब इनको अब जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो 2a 2b 2c आ जाएगा। आप अभी पिछले जो है क्वेश्चन में देखे थे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं 2 कॉमन करके ए बी प्लस सी, पिछले वीडियो में भी आया, सॉरी पिछले में आया था ये क्वेश्चन में, और इसको जोड़ेंगे 5 3 8 4 12, ये हो गया। तो अगर 2a b plus c बराबर 12 है तो a plus b plus c बराबर क्या होगा, आप बताएंगे तो 12/2 हो जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा, बराबर 6 आ जाएगा, अर्थात a plus b plus c की क्षमता कितनी आ गई, 6 आ गई। अब प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पे आइए, प्रश्न में क्या कह रहा है कि a अकेले, b अकेले और c अकेले कैसे काम, कितने दिन में काम को करेंगे। तो इस प्रश्न में हमसे a का पूछा, b का पूछा और c का पूछा है, तो जिनका पूछा है हम बोले कि उन्हीं की इफिशियंसी हम लोग लेते हैं। तो अगर ए का पूछ रहा है तो ए की इफिशियंसी हमको पता होनी चाहिए, ए की क्षमता, ए की क्षमता कैसे निकालेंगे, इस बात पे आइए गौर करते हैं। देखिए हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 6।
अगर हमें बी और सी की इफिशियंसी पता चल जाए तो ए की इफिशियंसी आराम से पता हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, कहीं दिया है बी प्लस सी की इफिशियंसी। देखिए बी और सी की इफिशियंसी कितना दे रखा है, यहाँ पे हमने निकाला है कितना, चार निकाला है। तो अगर हम बी प्लस सी के स्थान पे चार लिख दें, ए प्लस फोर हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि बी प्लस सी बराबर चार इफिशियंसी है उसकी, तो बराबर ये छह के है। ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, ए की इफिशियंसी आ गई छह माइनस चार बराबर दो, ए की इफिशियंसी दो है, टोटल काम साठ है। तो ए कार्य को कितने दिन में करेगा, साठ बटे में दो बराबर तीस दिन में क्या करेगा, ए उस काम को कर पाएगा। ठीक, अगर पूछा जाए ए उस काम को कितने दिन में करेगा, ए उस काम को करेगा भाई साहब कितने दिन में, तीस दिन में। फिर आगे बढ़ेंगे आप तो आएंगे बी पे। ठीक, तो ऐसे जब बी की इफिशियंसी निकालना है तो बी की इफिशियंसी निकालने के लिए हमें ए और सी की इफिशियंसी पता होनी चाहिए। तो ए और सी की इफिशियंसी कितना है, तीन है, तो छह में से अगर, ठीक है, ए और सी बराबर कितना है, तीन है, तो तीन प्लस बी बराबर छह हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर आपका आ जाएगा तीन, अर्थात b की इफिशियंसी तीन हो जाएगी। तो b पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो साठ बटे में तीन बराबर बीस दिन में करेगा। इसी प्रकार आप a का भी निकालेंगे, तो a का निकालने के लिए आपको किसका पता होना चाहिए, b प्लस सॉरी a का तो निकाल लिया हमने, b का निकाला, आप c का निकालना। तो c का निकालने के लिए हमें a प्लस b पता होना चाहिए, a प्लस b कितना है, पांच है। ठीक, तो c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा आपका एक आ जाएगा। तो जिसका जो निकालना है उसकी इफिशियंसी से टोटल और को भाग कर दीजिए, तो साठ बटे आपका एक आ जाएगा, अर्थात c साठ दिन में काम करेगा। तो प्रश्न का उत्तर जो आया, a तीस दिन में, b बीस दिन में, और c उस काम को कितने दिन में करेगा, साठ दिन में करेगा। आप समझ गए कि जिसका जो है पूछा जाए किसी के इफिशियंसी से, उसी की क्षमता से पूरे वर्क को भाग कर देते हैं तो आ जाता है। ठीक, समझ गए भे, ये कॉन्सेप्ट यही है, मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है। इसी के आधार पे आप बड़े बड़े प्रश्नों को आगे चल के हल कर पाएंगे, जिसमें परसेंट देता है उसको भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पहले हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। आप लोग अगर पूरा जो है इस चैप्टर को देख लेंगे, फिर उसके बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। आइए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि ए बी किसी काम को मिलके 24 दिन में, बी सी उसी काम को 36 दिन में, ए तथा बी और सी तीनों मिलके उस काम को 16 दिन में, तो ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसा जैसा दिया वैसा लिख लीजिए। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं भैया, तो आप देख बताएंगे 24 दिन। फिर आगे बढ़ेंगे, बी और सी मिलके कितने दिन में करते हैं, तो आप बताएंगे 36 दिन। और तीनों मिलके मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना दिन में करते हैं, तो 16 दिन। अब इसका आप एलसीएम निकालिए, हमने बताया कि एलसीएम जो है सबसे बड़ी संख्या को ले लीजिए। देखिए 36 को अगर हम लेते हैं एलसीएम, क्या 24 से कटेगा, नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा। तो 36 दुना 72 लेंगे तो नहीं कटेगा, ठीक, 72 दुना 144 लेंगे तो कट जाएगा, यानी 36 चौके जब हम करेंगे तब कटेगा, तीन पे भी नहीं कटेगा, तीन पे 108 होगा तो 108 24 से नहीं कटेगा। ठीक है, यानी 1600 जाएगा। ठीक है, तो 144 इसका एलसीएम हुआ, जब इसको 24 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 24 से भाग करेंगे 6 चौका 24, 6 दुना 12 14, 6 आ जाएगा। ठीक, इसको 36 से अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, 36 चौके आएगा, 4 आएगा। ठीक, 36 दुना 72 दुना 144 और 16 नवैया 144 9 आ जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई, 6 आ गई, b प्लस सी की क्षमता 4 आ गई, और तीनों की क्षमता मिलके 9 आ गई। ठीक, प्रश्न में क्या पूछा है ध्यान दीजिएगा, यही प्रश्न में पूछा, तो ए और ए प्लस सी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, मतलब ए और सी दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट कहीं ए और सी का निकल रहा है, नहीं निकल रहा,
तो हमको दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा कैसे निकालें। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पिछले वीडियो में निकाला ए का, अगर ए प्लस बी प्लस सी का हमको पता है तो हमने बी सी उसमें से घटा के ए का निकाल लिया, ठीक। सी का कैसे निकाला था, ए और बी का घटा दिया तो सी का गया, वही सेम यहाँ पे काम करेंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना यहाँ पे हमने निकाला, 9 निकाला। अब अगर हमको ए का, क्योंकि ए और सी का हमको चाहिए, तो हम अगर ए का निकालना चाहे तो ए प्लस बी प्लस सी का हमको पता है, देखिए बी प्लस सी का पता है यहाँ 4 हो जाएगा बराबर 9, तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 5 आ जाएगी। उसी प्रकार सी से निकालेंगे तो सी की क्षमता देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है तो ए प्लस बी 6 है, सी बराबर 3 आ जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे कैसे आया, 9 में से हमने 6 घटा दिया, ठीक है। सेम यहाँ पे जैसे इसमें ए का निकाला वैसे आप सी का निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ए प्लस सी मिल के कह रहा तो ए प्लस सी की क्षमता जोड़ दीजिए, ए प्लस सी की अगर एफिशिएंसी की हम बात करें, अगर ऐसे हम लिख लें एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं होगा, 5 + 3 बराबर 8 हो जाएगा। ए प्लस सी की एफिशिएंसी 8 हो गई और टोटल अगर हमारा 144 है तो समय बराबर क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए समय बराबर हो जाएगा टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी बराबर 144/8, 8 से आप भाग कर दीजिए, 8 × 9 = 8 और 4 × 8 = 14, 8 × 8 = 64, तो 18 दिन आ जाएगा। अर्थात ए और सी अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो 18 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक। समझ गए आप, ए प्लस बी की क्षमता 24, बी प्लस सी की क्षमता 36, ए प्लस बी मिलके 16 दिन में, तो इसकी क्षमताएं निकाल लेंगे, फिर ए की क्षमता फिर बी सी की क्षमता निकाल के दोनों जोड़ के टोटल वर्क से भाग कर देंगे, ठीक। ये हो गया, आप देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो समझ पा रहे हो तो आप एक चीज देख पाएंगे कि सारा प्रश्न करने का तरीका हमारा एक है, एक ही है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को हम सीख गए तो आराम से देखिए सारे प्रश्न बन रहे हैं। फिर नेक्स्ट में आता है, देखिए क्या है, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, 30,000 रुपए के ठेके में ए और बी का हिस्सा क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और दोनों ने मिलकर किसी काम को लिया और 30,000 रुपए का ठेका उन लोगों ने लिया था, तो कह रहा है ए तथा बी का हिस्सा कितना होगा। हमने पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि जो प्रॉफिट होता है, जो हिस्सा होता है, उनको जो है उनकी क्षमता के अनुसार बटेगा, जितनी उनकी क्षमता का अनुपात होगा उसी अनुपात में वो बटेगा। आइए सीखते हैं कैसे करेंगे। ए किसी काम को कितना दिन में, 15 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में, 10 दिन में, तो इनका एलसीएम 30 हो जाएगा, 15 × 30 और 10 × 3 = 30। अर्थात अगर हम आपसे ए और बी का जो है क्षमता का अनुपात पूछें तो आप कितना बताएंगे, 2:3, ठीक। ए और बी की क्षमता का अनुपात 2:3 है, तो जितना पैसा है वो भी किस अनुपात में बटेगा, जो 30,000 रुपया है ये 2 और 3 के अनुपात में बटेगा। अर्थात ए को कितना मिलेगा, 2 भाग, और बी को मिलेगा 3 भाग। तो ए का जो भाग होता है, ध्यान रखिए कैसे निकालते हैं, जितना परसेंट इसका है उतना 2 / टोटल इनका योग, 2 और 3 जो इनका रेशियो का योग कर लेंगे 5, और गुणे टोटल अमाउंट 30,000, ठीक। 5 से काट देंगे आप, 5 + 30 = 6,000 आ जाएगा ये, तो 6 × 12 ए का हिस्सा कितना हजार आ गया, 12,000 रुपए। इसी प्रकार आप बी का हिस्सा निकाल सकते हैं, बी का हिस्सा, बी का कितना है एफिशिएंसी, 3/5 × 30,000, तो इसको जब काटेंगे तो 6 हो जाएगा, अर्थात बी का जो हिस्सा आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 18,000। आप बी का हिस्सा इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, या तो आप 30 में से 12,000 घटा देंगे तब भी 18,000 आ जाएगा, उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो हमने आपको दोनों चीजें सिखा दी, हमने बताया था कि दोनों का जो हिस्सा बटता है वो जो है एफिशिएंसी के आधार पे ही बटता है। तो आप जो है इस चीज को सीख चुके हैं, आप मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है अच्छे से एक एक क्वेश्चन का नोट्स बना रहे होंगे। आप शॉर्टकट में ही आप चाहें तो पूरे क्वेश्चन को लिख लें, अपना समय बचाएं, और जो है क्योंकि समझना हमको ही है,
हमें आपको ही है तो हम लिखेंगे तो उस चीज को समझ भी पाएंगे कि आप पूरा भी प्रश्न लिख सकते हैं क्योंकि मैं पूरा प्रश्न बोल भी रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को आप लोग जो है इतना प्यार सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।